ओके फ्लुएंटली से द स्पेलिंग से द स्पेलिंग ज्योति एफ यू एन टी ए एल आई नो यू हैव टू करेक्ट इट टी ए एल आई नो इट इज एफ एल यू एन टी यू ई एन टी ओके एफ एल यू ई एन टी एल वाई मैम को रिपीट करना एफ एल यू ई एन टी एल वाई फ्लुएंटली ओके डिड यू अंडरस्टैंड ओके वेरी गुड आदित्य ओनली गोइंग एंड कमिंग यू प्लीज टेल मी समथिंग आदित्य ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर हॉबी हॉबी टेल मी माय हॉबी इज प्ले क्रिकेट माय हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट टू प्ले क्रिकेट ओके माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट ओके माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट यस सर टू किस लिए टू बिकॉज बिफोर वर्ब वी हैव टू राइट टू नो नो आई डोंट नो ज्योति प्लीज अनम्यूट योर स्पीकर बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ओके सो तुम क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है मेरा शौक क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलना मीन्स टू प्ले खेलना टू प्ले ओके ओके so so suppose that ki I answer is I watch the movie so, I watch the movie मैं मूवी देखता हूँ तो यहाँ में तो देखना नहीं है ना अगर मेरा काम है मूवी देखना तो that would be my work is to watch the movie is to watch the movie okay ओके बट गेम के लिए गेम प्ले टू विद टू नो प्ले इज नॉट अबाउट द गेम और प्ले इट इज अबाउट माय हॉबी इज क्या करना है क्या करना खेलना तो खेलना इज टू प्ले देखना इज टू सी करना इज टू डू सोचना इज टू थिंक ओके ओके आई माय हॉबी इज रीड द बुक Hobby is to read the book. Okay? To read the book. No, read may be to me. Read आएगा क्योंकि खेलना देखना बैठना जो हम ऐसे बोलते हैं ना लगाते हैं है? Okay? Okay. खेलना बैठना देखना these things are to will come. जैसे मेरा काम खेलना है My work is to play. टू प्ले खेलना देखना चाहना बोलना टू सी टू टॉक मेरा काम अभी खेलना है योर माई वर्क इज नाउ टू प्ले अगर तुम बोलते कि मेरे अभी खेल रहा हूं तो आई एम नाउ प्लेइंग खेल रहा हूं खेलना डू डिफरेंट थिंग्स आर देयर ओके 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 नेक्स्ट शिखा सेमी जिसमें लास्ट वर्ड में ना आए उसमें टू लगाएंगे पहले हाँ 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 टू लगाएंगे इसके बारे में हम और एक नया सुंदर एक क्लास लेंगे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे ठीक है बट क्या है कि हम टेंस तो बना रहे हैं लेकिन बीच में जो वर्ड आ रहे हैं उनका नहीं समझ बैठ रहा कि क्यों लगाया जा रहा हूँ हाँ हाँ ठीक है तुम इसको क्वेश्चन मुझे बाद में भी याद करा देना हम इसको लेकर एक सेशन करेंगे ठीक है ओके वील हैव ए सेशन जैसे सपोज दैट एन हो गया या दा कहाँ लगाना है या वो तो चलो ठीक है कि कैपिटल या उसमें लगाना हमें या कुछ फेमस चीज पे लगाना तो कुछ थोड़ा बहुत है बट क्लियरिटी नहीं है हमें ओके ओके आई विल क्लियर यू इन ए नेक्स्ट सेशन वी शैल बी क्लियरिंग ऑल दिस डाउट्स ओके ओके
ओके वेरी गुड. सो शिखा टेल मी योर आंसर, व्हाट इज योर हॉबी? माय हॉबी इज टू प्ले फुटबॉल. वेरी गुड, वेरी गुड आंसर. ज्योति प्लीज टेल योर आंसर, व्हाट इज योर हॉबी? माय हॉबी इज ट्रैवलिंग. माय हॉबी इज ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग, यस. Traveling also you will be, you can also, you can say that my hobby is to travel everywhere. Travel the place, travel the places, okay? To travel also you can say, or you can say that my hobby is traveling. And if you are telling that Sonu, my hobby is playing cricket, that also correct, okay? My hobby is reading, then also it is correct, okay? My hobby, if you want to say that my hobby is to read books, then you can say this is also correct. And if you are telling that my hobby is reading books, then also it is correct. Okay. Okay. Very good. So we shall have a session on this. Don't worry about it. Okay. So next question is any sentence in present continuous tense. Any sentence you write that should come in present continuous tense. Okay. Any sentence. So ma'am, I am not hearing last sentence 9. Any sentence with means any one sentence you write, that sentence should come in present continuous tense. A sentence you have to write, that sentence should be that form should be present continuous tense. That is the thing. So our choice. Yes. Any sentence. Make the any sentence. Any sentence you write, present continuous tense should come. Any sentence you make, any sentence you write in your copy, that should come in present continuous tense. Present continuous tense. Complete, Shikha. Did you write? Yes, ma'am. Very good. So, Sonu, tell me your answer first. Okay, I am writing the tense. I am writing the tense. Tense. Okay, very good. I am writing the tense. Tense means? Tense is spelling. What tense. Is the spelling of tense? T-E-N-C-E. T-E-N-S-E. S-E-C-E. Okay. Very good. Jyoti, please say your answer in present continuous form. I am going to everyday office. I am going to office every day. Okay? The sentence should be like that. I am going to office every day. Okay. Okay. Then Shikha, tell me your answer. He is keeping the pen. He is keeping the pen. Very good. All of you are really very correct about complete. You are understanding the present continuous tense. Very good. So number 9 is name the picture. Name the pictures. Name the picture. I am not saying 9 question. Number 9 question you see very nicely, very clearly. Okay. Yes, ma'am, I can. Yes. Name the picture. Don't say the answer. Let me complete. Let complete everyone. And first, every question I will ask first Sonu. Then only I will ask you, because he should know the things faster, because he has to know something very good. Ma'am, I am not clear. 9 questions. Now, very nicely you see, everybody, if everybody can, you also can understand the picture. Jyoti, tell me answer. Jyoti, tell me the answer. What is the picture is about? What is the name of the picture? Ma'am, this is when? Name the picture. Hello, Jyoti, please tell me the answer.
What is the picture name? Ma'am, line question not clear. Okay, tell me, Shikha. So, ma'am, please zoom it. Ma'am, car. Yes, car. It is the picture of a car. C-A-R, car. Right, all of you? Ma'am, question, ma'am, थोड़ा zoom कर दीजिए ना, दिख नहीं रहा कुछ भी. Now can be seen. थोड़ा सा फोन नीचे कर दीजिए मैम, ऊपर वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं. थोड़ा सा पास लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर लेके जाओ मैम फोन को. क्वेश्चन बस इतने ही लिखे हुए हैं. नंबर 9, 10, 11. मैम 10 क्वेश्चन ये है, डू यू रेगुलर इन द आगे मैम क्लास है? यस यस इन द क्लास. तो कार का आंसर लिखा है क्या सबने? कार. हाँ जी. ओके ओके, सो डू यू रेगुलर इन द क्लास, यस और नो? से ट्रूली यस और नो. सोनू टेल मी आंसर. सॉरी, यहाँ पे डू नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा. प्लीज राइट आर, ए आर ई आर. आर यू रेगुलर इन द क्लास? हमने आर ही लिख रहे हैं. यस यस, वेरी गुड. आर यू रेगुलर इन द क्लास? देयर विल बी नो डू, देयर विल बी आर. अरे नंबर क्वेश्चन नंबर 10 तो आंसर करो, बाद में दौड़ते क्यों हो? डू यू आर यू रेगुलर इन द क्लास? दिस क्वेश्चन आंसर यू प्लीज से मी, यस और नो? यस यस यस, आई एम रेगुलर इन द क्लास. वेरी गुड आंसर, रियली यू आर इम्प्रूविंग सोनू. देन शिखा टेल मी आंसर. यस आई एम रेगुलर इन द क्लास. वेरी गुड. ज्योति प्लीज टेल मी योर आंसर. यस आई एम रेगुलर इन द क्लास. वेरी गुड, वेरी गुड आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ही सिंग लाउडली, सो यू करेक्ट दिस, करेक्ट दिस सेंटेंस. ही सिंग लाउडली, हमसे करेक्ट करना है. हाँ करेक्ट करो. सिंह को ब्रैकेट में डालो, सिंह को ब्रैकेट में रखो, ब्रैकेट दो तो सिंह के बीच में. ब्रैकेट, डिड यू गिव द ब्रैकेट इन द सिंह? यस. सिंह को ब्रैकेट में रखो एंड लाइक दिस ब्रैकेट. ओके, सो ही सिंग लाउडली, करेक्ट करो इस सेंटेंस को. सोनू टेल मी द आंसर. He sings loudly. ज्योति टेल मी आंसर. He singing loudly. Shikha, tell me answer. He sings loudly. He sings loudly. This is also correct. And if Jyoti is telling that he is singing loudly, there is nothing told that correct tense you have to, present continuous tense or present indefinite tense you have to write. Only said correct tense. So you have to write, if you are writing he is singing loudly, that is also correct. But generally he sings loudly, this is correct. Okay? He sings, S-I-N-G-S, sings loudly. He sings loudly. He sings loudly. That is the answer. Are you ready with the all question answers? Yes, ma'am. Okay, now Shikha, 1 to 11, every question and answer, you just let me listen. Bolo, achhi tarah se, sundar karke. Yes, ma'am.